टायर खोलने का सही तरीका, टायर चेंजर मशीन। दोनों तरफ से पुश किया जाएगा, अच्छी तरीके से पुश करके उसके बाद ऊपर मशीन पे लगाएंगे ताकि ये अपनी किनोर छोड़, उसके बाद मशीन पे लगाएंगे। अच्छी तरीके से प्रॉपर इसमें फंसाएंगे। चार ही कड़ों में फंसने के बाद इसको देखा जाएगा प्रॉपर है या नहीं, उसके बाद ऊपर से अपन इसको के ऊपर सेट करेंगे। इसको सेटिंग होने के बाद फिर टाई लेवर से अपन इस तरह से इसको कड़े में फंसाएंगे इसे, फिर इसको रनिंग देंगे, पहले पीछे देंगे फिर आगे देंगे, जिससे टायर प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएगा रिंग से। हल्के हल्के पेडल से अपन इसको ऊपर वाले डंडे को हल्का सा उठाएंगे। इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, जिसको प्रैक्टिस हो वही करें, वरना हाथ के लगने का चांस रहता है। अच्छी तरीके से ट्यूब बाहर निकाल देंगे, पूरा ट्यूब अलग कर देंगे टायर और डिस्क से। उसके बाद नीचे वाले कड़े से अपन इस टायर को अलग करेंगे, वही सेम तरीका ऊपर वाला जैसे किया था उसी तरीके से। ट्यूब प्रॉपर निकालने के बाद रिटर्न घुमाएंगे, फिर उसको वापस रिव्यू घुमाएंगे और ये टायर और डिस्क दोनों अलग हो जाएंगे। सो अपन इसमें अब नया टायर फिट करेंगे। नया टायर कैसे फिट करते हैं आप पूरा वीडियो देखिए। पुराना टायर खुल चुका है, ये आपके सामने डिक्स, सिंपल डिक्स खुली हुई पड़ी है। और यहाँ से अपन टायर लेंगे, टायर उठाया, पहले हल्का शैम्पू का पानी लगाएंगे किनोर पे, जिससे कि इसकी लाइनिंग प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, इससे टायर कटने का चांस नहीं रहता है, अच्छी तरीके से फिटिंग भी हो जाता है। इसको एक तरफ से फंसा के कड़े में, उसके बाद इसको घुमाएंगे। पेंडल हमेशा ये देख लो, पेंडल इस तरह से रहेगा, ये अपना पेडल रहेगा, चार पेंडल लेते हैं इसमें। सेम प्रोसेस अब ट्यूब डालेंगे इसमें। ट्यूब डालने के लिए जिस मशीन में ये होता है उससे अपन प्रेशर देके ट्यूब डाल सकते हैं, जिसके अंदर नहीं है उससे फिर अपन हाथ का प्रेशर लगा के ये ट्यूब डालेंगे। ये अलग से लगवाना पड़ता है ट्यूब डालने के लिए, प्रेशर के लिए। इसकी सहायता से ट्यूब अच्छी तरीके से अपन फिट कर सकते हैं। अगर ये नहीं है जिस मशीन में, उसमें अपन हाथ से ही ब्रश करेंगे। उसके बाद हल्का सा छोटा नट लगा देंगे, जिससे नली अंदर नहीं जाए व्हील के अंदर। अच्छी तरीके से हाथ से ट्यूब पूरा अंदर बिठाएंगे। इसमें पूरी तरीके से ट्यूब अंदर बैठ चुका है अपना, और ट्यूब चेक कर लेंगे हाथ घुमा के अंदर, जिससे किनोर पे ना लगे और ट्यूब कटे ना, वही प्रेशर रहेगा हमने ट्यूब फिट करने का। ये प्रोसेस रहता है, ये पेंडल लगेगा और इस तरह से घूम के फिट हो सकता है, अपना बैलेंस का प्रोसेस पूरा हो चुका है, फिटिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। उसके बाद अपन इसको बैलेंस करेंगे। प्रॉपर तरीके से बैठ चुकी है रिम टायर के अंदर,
और उसके बाद अपन इसमें हवा डालेंगे। हवा डालेंगे जिससे रिम अच्छी तरीके से प्रॉपर बैठ जाएगी। हवा के प्रेशर से पूरा टायर एक्यूरेट कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। इस तरह से अपना फिटिंग का प्रोसेस रहता है टायर चेंजर मशीन पे।